हाय गाइस, व्हाट्स अप। अचानक हम लोग का प्लान बना सुबह ही कि चलो यार चलते हैं भुवनेश्वर। एक्चुअली कुछ काम पड़ गया बहुत अर्जेंट, देखते हैं अभी जर्नी कैसा है। क्योंकि अभी एक्चुअली ना हम लोगों ने सुबह फिर उड़ीसा पोर्टल में हम लोगों ने लॉग इन करा, वहाँ पे जो भी फिलअप था उसका मतलब फॉर्म फिलअप करा कि हम लोग जा रहे हैं, और आज सुबह ही हमने टिकट लिया है। देख सकते हैं हमारा रूम कितना बिखरा पड़ा है अभी फिलहाल, अचानक से पूरा पैकिंग करना पड़ा। हाँ, अचानक देखते हैं अभी जर्नी कैसे होने वाला है। होपफुली थोड़ा एक्साइटिंग रहेगा, बिकॉज पहली बार ऐसे कोई इतना रेस्ट्रिक्शन के साथ हम लोग घर जा रहे हैं। यस, सारे रूल रेगुलेशन चेंज हैं जो भी सिक्योरिटी के थे। अभी शायद 3 घंटे पहले हम लोग को बुलाया है, और 75 मिनट से पहले आई गेस उसने लिखा था ना, 75 मिनट से पहले गेट क्लोज हो रहा है। सो और आपको तो पता ही है बैंगलोर और बैंगलोर का एयरपोर्ट दो अलग अलग शहर में है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, धूप काफ़ी अच्छी है यार बैंगलोर में अभी फ़िलहाल, तो एकदम मूडी से जाने का मूड नहीं था, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया हम लोग को निकलना पड़ रहा है। सो गाइस, हमने अभी सारा पैकिंग ख़त्म कर लिया है। हम लोग का जो फ्लाइट है वो 6:30 बजे टेक ऑफ टाइम है उसका। सो हम लोग अभी कितना 3 बजने को आया है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। हम लोगों ने अपना कैब तो बुक कर लिया है, अब थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला होगा। सो हम लोग शुरू कर चुके हैं हमारा जर्नी, हम लोग का कैब आ गया एंड अभी बज रहा है टाइम, और हम लोग का जो फ्लाइट है वो है अराउंड 6:30 बजे हम लोग का टेक ऑफ है। हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, देखते हैं अभी एयरपोर्ट में क्या हाल होने वाला है। आई गेस सब कुछ नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो अभी नया नया अनाउंस हुआ है वो काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत ही लीनियंट कर दी है अभी गवर्नमेंट ने। चलो लेट्स सी वो पता है। एक तो भाई जिसने ये बैंगलोर का एयरपोर्ट 40 किलोमीटर दूर बनाने का फैसला किया था ना, मिल जाए हो भाई तुमको भी मेरे को रास्ते पे, गाड़ दूंगा तुझे मैं। Like a bird on a tree I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoor. Yeah. So actually the airport is quite empty than usual. जितना उसका होता था मतलब हम लोग आते थे। एयरपोर्ट में भी ट्रैफिक लगा था इधर उधर, हमको 15-20 मिनट क्लियर होने के लिए। Yes. And it is relatively very empty right now. चलो देखते हैं यार आगे का क्या सिस्टम है, अभी पता नहीं। तो होपफुली ज़्यादा कुछ हम लोग को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ पे लाइन लगी हुई है किसी चीज़ के लिए, दैट फॉर आई थिंक यस टू गेट इन। सब लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, एंड या वी हैव टेकन आवर प्रिंटआउट्स एक्चुअली, एंड यस and we have to get in right now. So काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। So actually मैंने वेब चेक इन कर लिया था जैसे इंस्ट्रक्शंस था, एंड अभी यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, टेम्परेचर स्कैनिंग का प्रोसीजर है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी प्रूफ का देख सकते हैं आप,
क्या प्रोसीजर है एक्चुअली वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके थ्रू हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो देख रहे हैं सारे क्रेडेंशियल्स आपके, आपका जो भी है। आई गेस वो सारे काउंटर्स लगे हुए हैं जिसके लिए अगर आपके पास वेब चेक इन का प्रिंट आउट नहीं है तो शायद आप वहाँ से निकाल सकते हैं आपका बोर्डिंग पास। We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Smile. No smiley? Why no smiley? You feeling boring? You feeling banty? You feeling vomiting? You need water? Little bit water? You feeling better? Little bit water? Iba? Before that, little bit water. Let's drop the bag first, then little bit water. Okay? पॉकेट रस। सो मेडिकल मैम इज एक्चुअली फीलिंग अ बिट डिजी बिकॉज ऑफ द कार। शी हैज अ कार सिकनेस, आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। लुक एट हर फेस, इज गोइंग होम। ओके पानी आने देवी, चलो ओके। बेटर घर को जाऊ से हिपी फुरे वाओ प्लीज। 5:45 इज आवर बोर्डिंग टाइम। कैसे चार्टा बस ची हाय।
चलो टाइम पास करियो पूरे। अरे सिक्योरिटी चेक भी अच्छे ना, अभी मे भी थोड़ा टाइम लग पड़े पुनोस। I'm just sitting here. I got time. So we are heading towards the security check. I think this should be just normal. नॉर्मल बच्चों के किच किच। ओके सी यू गाइस आफ्टर सिक्योरिटी चेक। टडा। सो हम लोग सिक्योरिटी क्रॉस कर चुके हैं अभी फिलहाल। हम लोग के पास अभी काफ़ी टाइम है बचा हुआ है। कितने बजे है हम लोग का चेक इन सॉरी बोर्डिंग? 5:45 और अभी टाइम हो रहा है 4:15 सो 1.5 आवर्स। अगर लग्जूरियस आयुर्वेदा क्या होता है? अरे यार मेरे मम्मी पापा दो मेरे मम्मी पापा दोनों आयुर्वेद के हैं यार। हमारे लाइफ में तो कोई लग्जरी नहीं है यार। ये कौन सा लग्जरियस आयुर्वेद है? कितना अच्छे से देखो रखे हैं, जैसे कोई एक्चुअली द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी लग्जरियस एक्चुअली। आई डोंट नो वेदर आयुर्वेदा इज लग्जरियस और नॉट, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी लग्जरियस। यार मेरे पापा के पास ऐसे शीशियां मतलब 100 के 100 होंगे यार अभी। लेकिन वो कहां ऐसे सजा के लाइट लगा के ऐसे डेकोरेशन कहां किए हैं, घर में तो ऐसे पड़ा रहता है। मेरे पापा का लगता है कि पता नहीं क्या ही है, कुछ नहीं है वो। और यहां पे देखो यार ऐसे मतलब ब्रांड मतलब मार्केटिंग का कितना वैल्यू होता है वो यहां से दिख रहा है। मतलब जो 100 रुपए का चीज यहां पे मतलब लग रहा है 1.5-2 हजार का होगा मिनिमम। और गिफ्ट भी है आयुर्वेदा का गिफ्ट। या गिफ्ट पैक से इसको अगर चलो सरप्राइजिंग यार। वाओ ये क्या है? ये नाइस है, अच्छा है। ये बहुत सुंदर है जो भी है, ये दिखाओ। और ये 26,000 का है। ये क्या है? रूमाल 26,000 नैपकिन रिंग्स। या नो थैंक यू, वी जस्ट लुकिंग अराउंड, थैंक यू। सो हम लोग का गेट नंबर कितना है? 27 राइट। सो अगर आप देख सकते हो अभी शायद अंदर जाने के लिए नहीं है, आप स्टैंडिंग बाहर पी सकते हैं। दो बड़ा है किडनी खाई थी, उसका प्राइस है 500। ये कब हुआ? लास्ट टाइम जब आई थी। ओह माय गॉड। इट्स सो ब्यूटीफुल यू एंड मी वी मेंट टू बी इन द ग्रेट आउटडोर फॉरएवर फ्री। सो बेसिकली मैंने अभी एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि वो फेस कवर कहाँ मिल रहा है, तो एक्चुअली वो इंडिगो वाले खुद दे रहे हैं। जब हम लोग का बोर्डिंग होगा उस टाइम से पहले वो पीपी की टेक देंगे और एक ये भी दे देंगे। या लेट्स सी। अभी भुवनेश्वर का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि 5:45 और अभी सिर्फ 4:15 हुआ है। सो व्हाट द टाइम नाउ एक्चुअली? 4:40 एक घंटा। एक काम करते हैं हम लोग के गेट के पास चले जाते हैं, इन केस वो देना शुरू कर देंगे तो हम लोग वहीं पे रहेंगे। आई होप आई कैन मीट रितु राठी समटाइम। हां आई होप आई कैन मीट रितु राठी समटाइम। फ्लाइंग बीच। या फ्लाइंग बीच भाई साहब आपने काफ़ी इंस्पायर किया यार हम लोगों को। होपफुली देखते हैं।
ये सब कुछ अच्छा चला तो एक बार मिलेंगे यार। हाँ देखे तो लेटा वॉइस ओवर दे देवी लोगों ने बस चंद बस किसी यार पिछले आधे घंटे से ना मैं पूरा सेल्फ रियलाइजेशन में चला गया हूँ यार। मतलब क्या थी यार लाइफ हम लोग की, बस जस्ट सो सिंपल यार। मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि मतलब नाउ आई फील कि यार मेरे जो बचपन में मेरा एक तोता था उसको मैं पिंजरे में रखता था, नाउ आई नो हाउ दैट तोता यूज टू फील। मीन्स जेल में रहना, आज़ादी ना होना, आपकी मन मर्जी ना करना, ये कभी महसूस ही नहीं किया था यार। वी वर सो ब्लेस्ड एंड कोविड टॉट अस दैट वी कांट टेक दिस टेक आवर मदर नेचर फॉर ग्रांटेड, वी कांट टेक आवर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, नथिंग इज परमानेंट। पता नहीं मैं बहुत ही मतलब नेगेटिव शायद साउंड करूं बट दैट्स द ट्रुथ। मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि यार मतलब कोविड आके ना हम लोग को एक सबक दे के गया है, गया कहाँ है अभी, मतलब जब भी जाएगा सबक दे रहा है अभी कि अगर हम लोग अपने नेचर हम लोग के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो मतलब क्या होने वाला है आगे। शिट मैन, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है बस। तो एक्चुअली हम लोग का बोर्डिंग शुरू हो गया अभी एंड एक टिप है आप लोगों के लिए कि फ्लाइट में पानी नहीं मिल रहा है, खाना तो नहीं मिल रहा था ये तो पता ही था, पानी भी नहीं मिल रहा है। सो कैरी योर ओन बॉटल एंड या हैव अ सेफ ट्रिप अगर आप लोग निकल रहे हो तो। सी यू इन फ्लाइट, फ्लाइट में बैठते हैं। चलो एक चीज़ अच्छा हम लोग को पता चला है कि हम लोग के सीट में और कोई बीच में नहीं है। सो या एंड दे आर प्रोवाइडिंग द पीपी किट टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन द मिडिल, जो बीच में बैठ रहा है, जो गाय इन द मिडिल हैज टू वेयर अ पीपी किट एंड दे आर प्रोवाइडिंग इट। दे आर प्रोवाइडिंग, सो नो नीड टू, डोंट हैव टू बाय योर ओन। या डोंट हैव टू बाय योर ओन। ओके, सी यू इनसाइड द फ्लाइट देन, बाय बाय। सो द गाइस इन द मिडिल आर वेयरिंग दैट वाइट वन, yeah those guys are sitting in the middle. So finally we are seated and fortunately hum log ka ye teesra seat khali hai, vacant hai. Yeah, I don't think there are restrictions hai video lene ke liye, but still chalo yaar parents ko bata dete hain, parents ko bata dete hain ki hum log nikalne wale hain. In the great outdoors, forever free. Thank you.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Finally, हम लोग पहुंच गए भुवनेश्वर और अभी हम लोग अपना बस का वेट कर रहे हैं. बस आएगा तो अभी वो इंडिगो का, फिर हम लोग जाएंगे अपना बैगेज लेंगे फिर घर. यहाँ पर आने के बाद पता लग रहा है कि कितना ह्यूमिड है और बैंगलोर का क्लाइमेट कितना ऑसम था. चलो गाइस, सी यू एंड आई गेस वी विल बी एंडिंग दिस व्लॉग ओवर हियर. एंड अगर कुछ होगा उसका पार्ट टू हम लोग बना लेंगे. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट फॉर सो लॉन्ग. Take care and if you are traveling, yeah, and if you are traveling, then be safe and travel safe. And please share and subscribe our videos. Bye bye. You and me, we're meant to be.